standard third welcome in maths lecture today we are going to discuss our chapter number 11 jug and Marks from this page number 158 okay filling pots nima and abdul had to fill their pots each with water both pots were equally big and heavy so they went to the tap again and again filled their बोटल्स एंड फोर्ड वोटर इन टू द बोटल्स कि भाई ये दो बच्चे हैं कि नसीम अने अब्दुल तो इन दोनों को दो सेम पोट दिए हैं और उसका वेट भी ज़्यादा है तो उसको वो उठक कर नहीं ले जा सकते तो उनको बार बार टेप तक जाना है अपनी बोतलों के साथ बोतल भर के लानी है और फिर इसमें डालना है ऐसा उसको काम करना है. नसीम हैड टू तो फिल हर बोटल सिक्सटीन टाइम्स फ्रॉम द टेप बट अब्दुल टू तो फिल ओनली है अभी देखो नासिम है उसको सोलह बोर सोलह बार जाना पड़ा लेकिन अब्दुल सिर्फ आठ बार गया तो उसका पोट भर गया तो वाई डिड नसीम गो मोर टाइम्स देन अब्दुल के नसीम ज्यादा बार क्यों गई तो बिकॉज नसीम उस बोटल इज स्मॉलर दैन अब्दुल्स बोतल नसीम बोतल कैन होल्ड ट्वाइस हाफ और थ्री टाइम्स एस मच वाटर एस अब्दुल्स बोतल कि भाई नसीम की बोतल है वो अब्दुल के बोतल से कितना पानी अपने अपने अंदर समा सकती है ट्वाइस मतलब डबल हाफ मतलब आधा और थ्री टाइम्स मतलब तीन गुना तो भाई देखो उसकी छोटी है तभी तो उसको डबल बार जाना पड़ा इसको आठ बार उसको डबल सोलह मतलब इसमें हाफ पानी समा सकता है हाउ मैनी ग्लासेस चलो अभी देखते हैं पोर्ट बी होल्ड इलेवन ग्लास फुल ऑफ वाटर पोर्ट ए होल्ड ट्वाइस एज मच वाटर एज पोर्ट बी कि पोर्ट बी है उसमें ग्यारह ग्लास पानी के डालने पड़ते हैं तब वो भरता है लेकिन पोर्ट ए है वो इस पोर्ट से डबल बड़ा है तो हाउ मैनी ग्लासेस ऑफ वाटर आ नीडेड टू फिल पोट ए तो ए को फिल uh, करने के लिए हमें कितने ग्लास चाहिए पानी के तो डबल इससे डबल तो मतलब इलेवन मल्टीप्लाई बाय टू इलेवन टू जै ट्वेंटी टू ऐसे भी कर सकते हो या फिर इलेवन प्लस इलेवन इक्वल टू ट्वेंटी टू ऐसे भी कर सकते हो ओके okay? नाउ फिलिंग पोथल्स पोथल्स दिस इज अ स्मॉल टाउन नियर काहिमा देर आर समे बहिमा करके कोई गाँव है जहाँ पर रोड पर कुछ ऐसे छोटे बड़े गड्ढे हैं देखो एक दो और तीन गड्ढे हैं बिफोर द रेंज कम चिल्ड्रन वू फिल दो होल्स विथ पेबल्स लेकिन बारिश आए उससे पहले ये जो कुछ बच्चे हैं वो इन गड्ढों को छोटे छोटे पत्थरों से भरना चाहते हैं दे ब्रिंग पेबल्स इन मग्स ऑफ द सेम साइज लेकिन ये हैं वो सारे के सारे जो गड्ढे भरने के लिए एक ही साइज के मग यूज़ कर रहे हैं होल ए गेट फील्ड विथ नाइन मार्क्स ऑफ पेबल्स होल बी गेट गेट फील्ड विथ एटीन मार्ग ऑफ पेबल, एंड होल सी गेट्स फील्ड विथ ट्वेल्व मार्क्स ऑफ पेबल्स कि हर एक का नंबर बताया कि कौन सा गड्ढा कितने मग से भरता है तो मार्क ए बी सी ऑन राइट होल इन द पिक्चर तो आप उसमें ए बी सी लगाओ कि कौन सा ए है कौन सा बी कौन सा सी तो देखो सबसे बड़ा आपको कौन सा दिख रहा है ये ये या ये तो ये बी दिख रहा है ना सबसे बड़ा तो विच इज द बिगेस्ट पोथल तो पहले तो यहाँ पर इसको हमने बी नाम दे दिया फिर ये छोटा है और ये देखो यहाँ पर ये मीडियम साइज का है और ये सबसे छोटा तो यहाँ देखो सबसे कम किसमें गड्ढे में भरने के लिए चाहिए तो के ए में तो इसलिए मैंने इसको नाम दिया ए फिर ये सबसे बड़ा है मतलब बी और ये सी तो सबसे बड़ा पोथल कौन सा है तो के बी नाउ इफ जग्स आर यूज होल होल अगेस्ट फिल विथ फाइव जग्स हाउ मैनी जग्स ऑफ पेबल्स आर नीडेड टू फिल होल बी कि हर पोतल को भरने के लिए जग का ही यूज़ कर किया गया है कि ए को भरने के लिए पाँच जग चाहिए ऐसे देखो ये वाला ए है उसको भरने के लिए पाँच जग चाहिए तो हाउ मैनी हाउ मैनी ऑफ पेबल आर नीडेड टू फिल बी कि इसको पांच जग चाहिए तो इसको कितने जग चाहिए होंगे ये पूछा है तो देखो आपको यहां पर ही बताया कि ए में नाइन मार्क्स चाहिए तो बी में एटीन चाहिए मतलब नौ से डबल एटीन तो यहाँ पर अगर फाइव चाहिए होंगे तो तब बी में टेन चाहिए होंगे डबल ओके तो यहाँ पर ये मेरा लेक्चर ख़त्म हो रहा है ओके अगले लेक्चर में हम दूसरा चैप्टर स्टार्ट करेंगे टिल दैट टाइम गुड बाय एवरी